मंडळी, कालच्या भागात आपण पाहिलं की SRK उर्फ अजय शर्मा आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी मुंबईत आला. त्याला बदला घ्यायचा आहे बिझनेसमन बटन चोप्राकडून, आणि त्यासाठीच तो एका बाजूला बटन चोप्राची छोटी मुलगी काजोलला रेसच्या मैदानात इम्प्रेस करतो, आणि दुसऱ्या बाजूला बटन चोप्राची मोठी मुलगी शिल्पाला आपल्या प्रेमात पाडून कांदा फोडीच्या खेळात खेळताना तिला पाडतो आणि त्याच शॉकमध्ये ती जाते. बटन चोप्रा या गोष्टीनं प्रचंड संतापतो आणि याचीच इन्व्हेस्टिगेशन करण्याची जबाबदारी देतो इन्स्पेक्टर करणला. आता बघूयात पुढे. छुपाना भीम नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है. कुमार सानू क्या ना, तू मेरी जिंदगी है. पोपट पोपट. आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं, तुझ्या ग बोलण्याला तुझ्या ग. तुझ्या ग काय चालू आहे इथं? हा, अरे कशाला आलायस तू? काय चालू काय? काय काय तू काय तपासलं काय ते सांग. आम्ही तपासलं, खूप तपास केला आम्ही, आणि असं कळलंय की कांदा फोडी खेळत असताना हा खून झाला. म्हणजे कशावरून तुम्ही ठरवता का हा हे सगळं कांदा फोडीमुळे झाला असेल? म्हणजे आम्ही तिकडे गेलो असताना जिथे खून झाला, म्हणजे नेमकं ज्या ठिकाणी खून झाला, तिथे ह्या कांद्याच्या फोडी मिळाल्या. काय म्हणायचं आहे तुम्हाला? आज आज तुम्ही म्हणताय कांदे सापडले, उद्या म्हणाल भाजी सापडली, परवा म्हणाल लेटर सापडलं. म्हणून लेटरच सापडलंय, लेटर सापडलंय तुम्हाला कसं माहीत? सगळ्या पिक्चरमध्ये शेवटी तेच असतं ना. हो, हेही बरोबरच आहे. कुठे आहे ते? आहे ते लेटर. कुठे? हो देतो एक मिनिट, हे घ्या. मी आपल्या पूर्ण होशो आवासमध्ये कुठल्याही दबावात न येता असे लिहिते आहे की मी हे जग सोडून जात आहे. यामध्ये कोणाचाही दोष नाही. तुमची अजय शर्मा. राहिला अक्कल शून्य. माझी सी कशाला केली? जाऊ दे ना, आपल्याला काय करायचं? कुणाचं लेटर कशाला वाचायचं? कोण आहे? कोण अजय शर्मा? कोण आहे? काय जाऊ दे ना, सोडू दे ना, आपल्याला काय करायचं? अरे कशी बात करे हो दिनानाथजी, आपकी तारीफ. तो तर सगळा महाराष्ट्र करतोय. काय तारीफ? तुमचं नाव? अजय. अशी येते. तुमचं नाव? विकी मंगळसूत्र मल्होत्रा. अच्छा, पण या लेटर वरून तर असं दिसतंय की या खुनाशी अजय शर्माचा काहीतरी संबंध आहे. जरा मला सांगाल का की हे हँड रायटिंग शिल्पाचं आहे का? म्हणजे या लेटर वरून असं कळतंय की अजय शर्मा आणि माझ्या बहिणीचा अक्षर सेम आहे. तुम्ही खूप हुशार आहात. तुम्ही पोलिसात का नाही भरती होत? होईल ना, काय घाई. हे नेमके कोण आहेत सांगाल का मला? विकी, माझा मंगेतर. ये दिल रोता है
दिल सिसक के हवाएं जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जग अपना जग सुना सुना लगे सर फुकाओ फुका नहीं फुका आपण त्या खुन्याला नक्कीच पकडू. फक्त हे बघावं लागेल की शिल्पा कोणाकोणाला भेटायची. येतो. हाय केव काजल. मला तुझ्याशी खूप महत्त्वाचं बोलायचंय. कोणत्या बाबतीत? प्रेमाबद्दल. जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना काय त्याचं जाऊ दे. नेहमीची नाटक आहेत त्याची. जाऊ दे. हे रवी मला सांग, माझी बहीण शिल्पा तुझं प्रेम होतं ना तिच्यावर? हो पण एकतर्फा. मारलं का? मी बहीण आहे तिची. मलाच म्हणतोस एक तरफ आ. एक तरफ म्हणजे वन साइड लव. ओ सॉरी सॉरी. मग अजून कोणी तिच्या ओळखीचं तुला माहितीये? एका मुलाला ती रोज गार्डन मध्ये भेटायची. कोण कोण आहे तो? त्याला मी ओळखत नाही पण त्याचा फोटो आहे माझ्याकडे. दे फोटो दे. थांब तू इथेच थांब, मी माझ्या रूम मध्ये शोधतो फोटो. हा ओके आलो. नाही आता मी तुला गुदमिल्या करणार नाही. हे नको करू. नाही अरे नको. रवी रवी मदत करू शकते. कोण? बोल बोल रवी. तीच त्याचं पेंटिंग करू शकते. पेंटिंग पेंटिंग करू शकते. कोण आहे? तिचं नाव काय? रोझी. 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 माय नेम इज रोझी. मीच रोझी. हाय रोझी. रोझी तुमचं आडनाव? रोटी. रोझी रोटी. रोझी रोटी. आणि बाबांचं नाव? बटर. रोझी बटर रोटी. ओके. हाय रोझी. मला तुझ्याशी जरा महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचंय. काय? प्रेमाबद्दल. छन से ढूंढे कोई सपना जग सुना
सुना लागे, जग सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों बर ऐक रोजी, माझी बहीण ज्या मुलावर प्रेम करायची त्याचं पेंटिंग काढू शकतेस तू? हो ओके, पण तुमको कल को आना होगा, मैं आज काढके ठेवते। काढके ठेवते, ठीक आहे, मी उद्या येते। हा हा, थँक्स रोजी बटर रोटी। रोजी, माय नेम इज रोजी। डॉन, पेंटिंग दे दे। नहीं। पेंटिंग दे दे। नहीं। पेंटिंग दे, नहीं तर। नहीं तर गए। सॉरी रोजी, बटन चोपड़ा बदला घेने मला हे सगळं करावं लागलं। बटन चोपड़ा मैं आ रहा हूं। हे घर पेंटिंग पोलिसांच्या हाती लागलं असतं तर माझी वाट लागली असती। सेम पेंटिंग। रोजी, बरं झालंस तू आलास। मी US जातोय। अमेरिका? नाही, उल्हासनगर। तिथे शर्टचे बटन फार स्वस्त मिळतात। आता हे सगळं तुला सांभाळायचं आहे। हे या फॅक्टरीचे पॉवर ऑफ मॅटर्निटी। पॉवर ऑफ मॅटर्निटी नाही, मग पॉवर ऑफ 12 म्हणजे हे अथॉरिटी तुझ्याकडे आल्यामुळे आता तुला कुठलाही निर्णय घ्यायला अडचण होणार नाही। ओके, तर उद्यापासून लगेच कामाला लाग। उद्यापासून नाही, आतापासून। आतापासूनच काम करेन म्हणतो। तुझा अंदाज मला पसंद आहे। अंदाज माझा नाही, अक्षय कुमारचा, माझा अंजाम। चेन्नई। पंचवीस वर्ष मी याच दिवसाची वाट बघत होतो। बटन चोपड़ा, माझ्या वडिलांनी तुला ही आमची कंपनी सांभाळायला दिली होती, पण तू आमच्या पिछे पोची। पाचे पाचे पोक क्या क्या काय रे, ते पिछे पाचा पाची काय रे, हमारे पीठ पीछे। हा, पण तू आमची पीठ पीछे सगळी नावावर करून घेतलीस। क्या हे संपत्ती। बटन चोपड़ा, आता ही सगळी स्टेट माझी होणार माझी। बटन चोपड़ा। नाही, गुन्हेगार कितीही हुशार असला तरी मागे काही ना काहीतरी सबूत सोडूनच जातो।
बोल तुला काय बोलायचं यावर. चालू आहे हा. पलट क्रमांक 3 ची गाडी. एसटी स्टँडचा आहे. बोल तुला काय बोलायचं आहे. तुझ्याकडे काय सबूत आहे. सबूत हा. हलू नकोस हलू नकोस. हलत नाही. सबूत हा. हे बघ बी बी जिथे जिथे खून झालाय तिथे तिथे हा बी मिळालाय. काय कुणाचं पण असू शकत. बी म्हणजे भाऊ असू शकतो. तूच भाऊ आहेस. तुझाही भाऊ असू शकतो. बी म्हणजे मीच थोडी. पण हे तुझाच आहे. कशावरून. कारण याच्या मागे तुझं पूर्ण नाव, घोड बंदर रोडचा पत्ता, आत्ताच फ्लॅट घेतलेला आहे, पोलिसचं ऍडमिशन केलेलं आहे, नवरात्र उत्सव, गणेशोत्सव, बारसं, वाढदिवसाठी कार्यक्रमासाठी संपर्क साधा, गाडी भाडं घेणार नाही असं लिहिलंय. म्हणजे हे तुझंच आहे. हे काम तूच करतो. बटन चोप्रा तुझा बदला घेण्यासाठी मी हे सगळे खून केले. बटन चोप्रा काय. पैसे हवे होते तर माझ्या पप्पांकडे मागायचे. तुला भीक म्हणून दिले असते. अगं माझ्या वडिलांनी तुझ्या वडिलांना भीक दिली. ही सगळी चोप्रा इंडस्ट्रीज, चोप्रा बंगला, चोप्रा गाडी हे सगळं आमचं होतं. तुझ्या वडिलांनी आम्हाला फसवलं आणि ते आपल्या नावावर करून घेतलं. त्यामुळे माझे वडील शॉक मध्ये गेले आणि माझी आई अजून शॉक मध्ये आहे. तुला बघायचे बघायचे तिची अवस्था. हो बघ. हे काय. तू तर म्हणाला होतास तुझी आई शॉक मध्ये. हेच तर तिचे शॉक आहे. आणि हे हाताला असे राख्या का बांधल्यात. कारण तिचं नाव राखी माय. मा आपण जिंकलो. हे घेऊन जा आतमध्ये. मा बेटा बेटा तू आलास. मी कधीच आले तू आता आलीस. मा सॉरी बेटा. हे सगळं मी आपल्या नावावर करून घेतलं. खरंच बेटा. खरंच माझ्या बेटाने हे सगळं केलं. आताच नाही बेटा. या बटन चोप्राला सोडू नकोस बेटा. एक मिनिट. आता तुझ्या समोर तुझ्या पोराला संपवतो. नाही बटन चोप्रा. एक नाही दोन नाही तीन. बटन चोप्रा. हे बटन चोप्रा. हे मारणार रे. हे मारणार. 25 साल. ए बटन चोप्रा. 25 साल. 25 साल से मैंने इस दिन का इंतजार किया. डायलॉग. पर अब 25 मिनट में तेरा खेल खराब. क्या एकदम बोल पुड़े आता बेटा. मैंने बहुत कर लिया. अब तुम्हारी बारी है. मैं बेचारी बूढ़ी क्या कर पाऊंगी. जाओ बेटा उसे सबक सिखाओ. बटन चोप्रा. छोड़ना नहीं बेटा उसे. ये कोट काटता है का पोट काटता है. नहीं बेटा. बेटा बेटे चोप्रा. मेरे बेटे.
बटन चोपड़ा आप सैलाब आ जाएगा। सोनियो बेटे को छोड़ दे पिचकारी। आता काय करशील? एक मिनट। मुजरिम कितना ही शातिर दिमाग क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही देता है। चलो हाँ। चलो पापा पापा बेटे बेटे मेरे पास आओ बेटे। मैंने सब प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी। ये देखो माँ, विक्की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, विक्की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। अरे चुतरिया, विक्की मल्होत्रा कौन है? तुझं नाव तर अजय शर्मा है बेटा, विक्की मल्होत्रा कौन है? त्याच्या नावावर सगळी प्रॉपर्टी गेली। मी आहे विक्की मल्होत्रा। तेव्हा आमट्यानी माझं नाव वापरून सगळी प्रॉपर्टी जमा केली। आता हे सगळं माझं ऑफिस पण माझं, आता ऑफिस मध्ये बसून चण ऐकणार मी। चला नाटक कंपनी निघा, चला आजी चला निघा। क्यों क्या बेटा? विकी मल्होत्रा। अजोल मुझे तुमसे कुछ एक मिनट इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी। विकी मल्होत्रा आर यू मैरिड? विल यू मैरी मी? चालते की? हे अशा पद्धतीची एक बाजीगर आम्ही सरांना दाखवली। सर तुम्हाला कसा वाटला हा पिक्चर? बहुत अच्छी थी यार। मतलब मैंने तुमसे पहले बोला था कि जब मैं आया कि अगर आप ऐसी पिक्चर दिखाओ तो मेरे को पार्ट टू बनाना है, तो मैं पार्ट टू अब यही बनाऊंगा। और जितने भी एक्टर्स थे सब सुपर्ब थे। मतलब जेन्युइनली मैं हंस हंस के पागल हो गया हूँ। दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट एंटरटेनमेंट आई हैव हैड इन माय लाइफ। दिस इज टू फनी। अनुष्का जी आपने बहुत एंजॉय किया। हंसते हंसते मतलब यहाँ तो हम दोनों लोटपोट और गिर रहे थे। बहुत ही बहुत ही बहुत मजा आया। मतलब मैं इतना आई डोंट थिंक इंडस्ट्री रॉन्ग आदमी के नाम कर दिए, वो काफी सिली है। बेटा टेक्स्ट मल्होत्रा टेक्सटाइल, बेटा ये मल्होत्रा कौन है बेटा? टू गुड। आई डोंट थिंक आई एवर लाफ्ड सो मच एट एनी प्लेस ऑन एनी शो। मतलब इट वाज सुपर ब्रिलियंट एक्टर्स, बहुत बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स। वाह धन्यवाद। इनका तो डायलॉग सुन लिया, लेकिन बाजीगर का एक डायलॉग तो आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि वो एक अलग ही किरदार था आपका। ये मेरे से अब होगा ही नहीं जिस तरह इन्होंने किया। अब ना मुझसे मेरी एक्टिंग ही नहीं हो रही। बाबूमुळे सगळे विसर। आज से मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा शाहरुख खान। दूसरा मैं करी मैं उनके साथ करूंगा वहां पे जाकर।
तुम्ही गाईड आहात सिनेमात, तर असा कुठला गाईड तुम्हाला कधी भेटला होता काय? मेरी गाईड से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मैं दिल्ली में रहता था जब, तो कुतुब मीनार, सफदरजंग, जितने भी वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ घुमा फिरा बहुत हूँ, वहाँ देखे हैं मैंने। हाँ, लेकिन कभी मैं गाइडेड टूर पे गया नहीं। मैं एक्चुअली टूर पे गया ही नहीं, हमारे पास कोई इतने पैसे नहीं थे कि कोई टूर पे जाओ या कुछ करो। लेकिन एक दो बातें जो उनके बारे में मुझे अच्छी लगी या जो मुझे समझ में आई वो ये है कि वो लोग जो है हमेशा हर किसी को सेम जगह, मतलब रोज़ाना 3-4 बार जाकर वही जगह दिखाते हैं और उतने ही इंटरेस्ट और उल्लास और खुशी से दिखाते हैं जितना पिछली बार दिखाया, जो हमारी फिल्म की भी कहानी है कि सबको रास्ता दिखाते दिखाते शायद हर रोज ये करते करते वो भूल जाते हैं कि उनको अपनी मंजिल भी ढूंढनी है। तो वो जो है उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता या उनको कोई एंटरटेन करने वाला नहीं होता। वाह वाह, महाराष्ट्रात तुम्ही राहता दोघी सुद्धा आणि महाराष्ट्राचं एक वेगळं कनेक्शन आहे, महाराष्ट्राच्या गोष्टी लोकांना खूप आवडतात। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है मुंबई में, महाराष्ट्र में? लोग, सबसे ज्यादा मुझे यहाँ के लोग पसंद है। रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए, बहुत मेहनती लोग होते हैं और ये मुझे हमेशा यहाँ पे, मैं जब भी कभी कहीं बाहर जाती हूँ, और मेरे जो फादर हैं वो आर्मी में थे तो हम लोगों की पोस्टिंग बहुत सारी जगहों में हुई है। तो मैंने बहुत सारी जगहें देखी हैं इंडिया में, मैं वहाँ पे रही भी हूँ, लेकिन यहाँ की स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे ना एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट आती है, क्योंकि बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो बहुत बहुत मुझे लगाव है हमारी मुंबई सिटी से। वाह वाह, बहुत सारे कलाकार हैं, अशोक सराफ सर जिनके साथ आपने फिल्में की है, नाना जी के साथ की है। नाना के साथ मैंने एकदम शुरुआत में काम किया था, तो मुझे याद है जब पहली बार मैं मिला तो ऑटर्स क्लब में गेट टुगेदर था सब प्रोड्यूसर्स का, तो मैं नया नया था तो मैं वैसे ही शर्मिला सा हूँ, तो बहुत लोग ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ पे होंगे जिनको मैं जानता भी नहीं था तब, मुंबई में नया नया आया था, तो नाना थे वहाँ पे। तो मैं बीच में किसी ने कुछ बात की तो अजीज़ मेरे साथ थे, जूही बहन थी, बात कर रहा था, तो मैंने बात करते करते ना ऐसे शर्मा के ऐसे बाल को हाथ लगाया, तो उन्होंने देख के मुझे मारा, ए क्या करता है हाथ मत लगा सब। तो मैं एकदम बड़ी, मैं बहुत तेज मार, ऐसा तेज मारा उन्होंने, तो मैं ऐसा पार्टी कर रहा था, तो मुझे ऐसा बोला कि तू एक्टिंग करने आया हीरो बनने, तो मैंने बोला एक्टिंग करने आया हूँ, तो मेरे बाल बाल में हाथ मत लगा। तो मैं बोला दादा मेरे बाल लंबे हैं ना, ऐसे माथे पे गिरते हैं इसलिए लगा रहा हूँ मैं उसका। तो हमारी तब से बहुत दोस्ती। वाह वाह, और मुझे कई बार वो बोलते भी थे जब मैंने शुरुआत की, और ये मैं उनकी जो बातचीत है बहुत दिल के करीब रखता हूँ। वो बहुत परेशान होते थे मेरे फ्यूचर को लेकर, बिल्कुल भाई की तरह, बड़े भाई की तरह। तो मुझे बोलते थे देख मेरी प्रिंटिंग प्रेस है तो मेरा एक और धंधा है, तो मैं जो है चांस ले सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, रोल नहीं चाहिए तो नहीं कर सकता हूँ। तू जैसा लोग से मिलता है ना तमीज से मिलाकर, प्यार से, आराम से, क्योंकि देखो अगर काम नहीं मिलेगा तेरे पास कोई और धंधा नहीं है, तो मैं तमीज से रहा करूँ। तो मुझे बहुत बेचारे वो सिखाते थे, और बहुत दिन हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो अभी मैं ये शो कर रहा हूँ तो मेरे को अब याद आ रहे हैं, तो कल मैं उनको फोन करके हेलो जरूर बोलूंगा। वाह वाह वाह, मंडळी ही आपली थुकरटवाडी, आपल्या स्वप्नातल्या सुपरस्टार्सना झी मराठीच्या याच मंचानं आपल्या समोर आणलं। तुमचं आणखीन एक स्वप्न पूर्ण करणार आहे हा मंच, ऑस्ट्रेलियाला जायचं। मंडळी वीणा वर्ल्डच्या सहकार्यानंच आम्ही ऑस्ट्रेलिया हा स्वप्नवत खंड पाहिला। मंडळी तुम्हाला माहिती आहे जगातला सगळ्यात लहान खंड किंवा जगातलं सगळ्यात मोठं बेट कुठलं? अर्थातच ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया म्हणजेच सिडनी ऑपेरा हाऊस, ऑस्ट्रेलिया म्हणजेच ग्रेट बॅरियर रिफ, ऑस्ट्रेलिया म्हणजेच 12 अपॉस्टल्स, ऑस्ट्रेलिया म्हणजेच कांगारू, आणि ऑस्ट्रेलिया म्हणजेच अर्थात वीणा वर्ल्ड। तुमचं बघायचं राहिलं ना ऑस्ट्रेलिया, म्हणूनच यावेळी वीणा वर्ल्ड आणि आपलं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरं करणारं टुरिझम ऑस्ट्रेलिया घेऊन आलंय ऑल ऑफ ऑस्ट्रेलिया मोस्ट अफोर्डेबल किमतीत। 2.25 लाखातली सहल फक्त 1,75,000 आणि नेहमीप्रमाणेच ऑल इन्क्लुझिव्ह। गोल्ड कोस्ट, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, केन्स पाहूया, 9 दिवसात जीवाचं ऑस्ट्रेलिया करूया। आणि हो, झी मराठीच्या रसिक प्रेक्षकांसाठी खास ऑफर आहे, 30 ऑगस्टपर्यंत आपली ऑल ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूर बुक करा आणि ग्रेट ओशन रोडवरती मिळवा हेलिकॉप्टर राईड अगदी फ्री। चलो बॅग भरून निकल पडो वीणा वर्ल्ड सोबत, आणि अधिक माहितीसाठी तुम्ही स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावरती संपर्क साधू शकता। टोल फ्री क्रमांक आहे 1800227979। तर आता काय सर, आपण जाणार आहोत एका स्कूलमध्ये, इकडे एक स्कूल असतो आमच्याकडे आणि त्याच्यामध्ये काही हिंदी ॲक्टर्स येतात जे तुमच्याच चित्रपटातले तुमचे मित्र असतील कदाचित, त्यांना इथे मराठी शिकवण्याचा क्लास असतो, त्यांच्या क्लासमध्ये आता जायचं आहे। ओके, दोन आठवड्या आणि आता आपण भेटूयात आमच्या गुरु स्कूलच्या टीचरना। <laughs>
देवी और सज्जनों। शाहरुख सर नमस्कार 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 अनुष्का नमस्कार। लेकिन मैं एक्चुअल में नहीं हूँ आप बच्चन सर, आप समझ रहे थे मेरे को, आपका बहुत फैन हूँ मैं सर, जबरदस्त फैन सर। अच्छा होगा आप आगे, आपसे एक बात पूछना था। मैंने ऐसा सुना है कि आप मतलब सोते समय भी पैजामे को इस्त्री वगैरह करके सोते, बराबर कर ठीक है ऐसा? हाँ देखो मुझे देखो सीखने जैसा है सर से, मतलब क्या इनका कहना ऐसा है कि 24 आवर आदमी प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, है ना सर? सपनों में भी कोई आ सकता है ना? अरे क्या बात है, मैं वही बोलने वाला था सर, सपनों में कोई लड़के वड़के आ गए तो अच्छा होता है ना। लेकिन सर आपको बताऊं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ सर सेम, खाली मैं ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है मेरे पर उधारी बहुत है सर, लोगों बहुत उधार किया हुआ मैंने, लेकिन मैं जब सोता हूँ ना तो सपने में सब उधारी वाले आ जाते हैं, तो उनको यकीन होना चाहिए ना कि आदमी गरीब है करके। मोहब्बत में बच्चन साहब का गुरुकुल था, यहाँ मेरा गुरु स्कूल है, प्रतिष्ठा परंपरा अनुष्का शर्मा अनुशासन ये मेरे गुरु स्कूल के 3 स्तंभ है। यहाँ जो भी आता है उसे ये सब नियम मानने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा नियम ही मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। महेंद्र बाहुबली है तुम्हें बच्चन साहेब है। अच्छा तो मैं मेरे स्टूडेंट को बुलाता हूँ, तरह सगड़ा पहलंदा अपन आमंत्रित करूया रईस यांना। अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और छोटे धंधे से कोई ड्रम नहीं होता। धर्म धर्म ऐसा है क्या? हाँ। सर हाँ? रईस रईस उफ्र उफ्र राज आर्यन। एक लड़की की दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। ऐसा लड़का रहा तो मर ही जाएंगे, जिंदा रह ही नहीं सकती है। अरे लड़का कैसे चाहिए शाहरुख सर जैसा? हाँ सर ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है। तो मैं मेरे दूसरे स्टूडेंट को आमंत्रित कर रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माँ का बाप का बेटे का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। धंधा बंद कर ले वरना नाक में नकेल डाल के तुझे लेके जाऊंगा यहां से। धंधा बंद कर ले रईस, नहीं तो सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। नहीं, मैं सांस लूंगा। कैसे लेगा? अरे कैसे क्या, अरे देख ये क्या किया तुमने, सांस लिया। माँ का बाप का भाई का सबका बदला लेगा ये फैजल। हाँ हाँ शांति 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 शांति, स्कूल में एकदम शांति चाहिए। बैठो 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 रईस के साथ बैठो। तो मेरा अगला स्टूडेंट है फरहान अख्तर। जब दिलों में अपनी बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, अगर तुम सांस ले रहे हो तो जिंदा हो तुम, तुम्हारी सांसें चल रही है तो जिंदा हो तुम। गड़बड़ नहीं माझ्या वर्गात गड़बड़ नको, चला बसा व्यवस्थित बसा शांत बसा। हाँ परान हाँ आता पुढचा विद्यार्थी आहे नसरुद्दीन शाह। टाक भिन भिन टाक भिन 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 चुम ले चिन चिन बोतल से बाहर आ गया जिन आ गया जिन आ गया जिन आए हैं सबके अच्छे दिन। जिनकी होगी ताकत अफू, बहुत अच्छा। जिनका होगा निशाना भेल वो करेंगे सबका सर्वनाश, वो कहलाएंगे त्रिदेव। ये पाप है, पाप का पाप है, ये ना इंसाफी है, ये का बाप का सबका बदला लेगा
बस सर बाप का बाप का सबका बदला लेगा। हाँ ये तो बदला का सोडणारच नाही, बदला घ्या सगळ्यांचा बदला घ्या, नंतर शाळा सुरू झाली की सगळ्यांचा बदला घ्या। हा शांत रहा, शाळेमध्ये गडबड नको आहे। अरे बैठ जा भैया, बैठ जा, व्यायाम करून झाला बेटा, सब लोग बैठ जाओ। आता माझी पुढची स्टुडंट आहे अनुष्का शर्मा। अरे वाह, मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके ओली भैया तू डिजाइन कर यो बीट चले या तोरी क्योंकि ये बीट को बेस पसंद आया। बिजनेस का सबसे फर्स्ट रूल है, जिससे प्यार करो उससे कभी ना व्यापार करो। अरे सबका बदला लेगा, ये तो एनिमल लवर है जी। अभी कहा ना इसने मुझे भैंस पसंद है। भैंस नहीं, बेस बेस बेस। कौन सा रोल कर रहे हो? अरे शाहरुख है ना मैं। हाँ I'm sure, yeah, good one, yeah. जम गया, जम गया। एको, एको। ये अरे अरे बाप का सबका बदला लेगा। मैं मारूंगा दादा। पहला सवाल, ए से होता है एप्पल, ए से होता है एरोप्लेन, और ऐसे ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। क्या बात दादा, दादा नहीं दादा, क्या बात, क्या बात, जीत गए शायद मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठो 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 बैठो, सबका बदला मेरा इसका बदला। अनुष्का जी, अनुष्का जी, कंट्रोल 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 कंट्रोल। तो मेरा दूसरा सवाल, सवाल उससे पूछो, सवाल पूछो उससे जिन्होंने मेरे हाथ हाथ तोड़ दिए। सर ये जगह चेंज करके मिल सकती है मुझे? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत चिल्ला। बैठ जा, शांत बैठो, चलो थाने की चाय पीने की आदत डाल ले। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये चाय थाने में कहाँ मिलती है? हम भी थाने में रहते हैं तो। अबे थाने की चाय नहीं, पुलिस थाने की चाय। एक टोकरी में 10 आम हैं, उनमें से 2 आम सड़ गए हैं, तो बताओ कितने आम बाकी हैं? आई नो, टोकरी में 10 आम ही है क्योंकि सड़ने के बाद भी वो आम ही रहेंगे, केले नहीं बन जाएंगे। ओह नो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला सवाल ले लो, अगला सवाल। एक मिनट, अगला सवाल। ऐसा कोई एक वाक्य सुनाइए जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। इस गदी गली विच नो एंट्री। कमाल, कमाल कर दिया यार। कंडक्टर और ड्राइवर में क्या फर्क होता है? अगर कंडक्टर सोएगा तो आदमी की टिकट नहीं निकलेगी, लेकिन ड्राइवर सोएगा तो सबकी टिकट निकल जाएगी। माँ का बाप का सबका बदला लेगा भाई जान। गलत जवाब। एक मिनट, मुझे लगता है तुम कोई जवाब नहीं देंगे, मेरा होनहार स्टूडेंट शाहरुख खान सर ही जवाब देंगे। तो सर और अनुष्का मैडम आप प्लीज स्टेज पे आइए। सर मैं आपको ये जोड़िया बताता हूँ जिसमें ये सब जोड़िया यहाँ पर लिखी हुई है, ये मराठी की फेमस जोड़िया है। ये है अजिंक्य शीतल, इसमें भी अजिंक्य है, हा? ये शीतल के साथ ये इसकी जोड़ी आपको लगानी है क्योंकि वहां शफल कर दिया है, तो आप दोनों को याद रखना है। अच्छा ये मुझे आ गया। ओके, ये है भाऊ, भाऊ के साथ है ममता उसकी वाइफ, और ये है आर्ची और परशा, ये तो आपको आर्ची परशा मालूम ही है। ये शिव है, शिव और ये गौरी। हाँ ये है, ये तो पता है, सचिन जी और सुप्रिया जी, राणा और पाठक भाई, और ये है गुरुनाथ और राधिका। ओके okay, okay. अभी चलो ट्राई करते हैं, अभी आपको इनकी क्रॉसिंग में जोड़ी लगानी है। ये मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, भाव कदम और ममता। हाँ हाँ, परशा और आरजी। परशा तो परशा, शिव और गौरी,
शिव ये करेक्ट सचिन जी और सुप्रिया जी, राणा पाठक भाई, राणा माय गॉड क्या बात है, गुरुनाथ और राधिका, गुरुनाथ करेक्ट 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 गुरुनाथ राधिका, जोरदार तालियां, सभी के सभी जवाब सही है। आणि जाता जाता यांच्या फिल्मचे जे डायलॉग आहेत ते हिंदी डायलॉग आहेत, ते आपण मराठी त्यांना करून दाखवूया। ढूंढने से भगवान मिलते है, शोधल्यावर देवही भेटतो, शोधल्यावर देवही भेटतो, मुझे तो नहीं मिले आज तक, मला तर अजून नाही भेटलं। वा वा, तुमने ढूंढा है क्या भगवान? तुमने मेरा नहीं उनका, मैं सिर्फ देख रहा हूं। तुमने ढूंढा है क्या भगवान? तू शोधलेस कधी देवाला? वाह, नहीं तो मिल जाता, नहीं तर भेटले असत, और जो मिला है आणि जो भेटला है शायद वही ढूंढा होगा, बहुतेक तेच शोधल अशील। सोच के देखो, विचार कर, विचार कर। वाह वाह, क्या बात है, जोरदार टाळ्या झाले पाहिजेत या दोघांसाठी। तर मंडळी, खूप छान वाटलं की कालच्या आणि आजच्या भागामध्ये शाहरुख खान सर आणि अनुष्का जी आपल्या या मंचावरती आल्या आणि त्यांनी खूप धमाल केली। खरं तर आम्हाला असं वाटतं की आणखीन खूप एपिसोड्स तुमच्या बरोबर व्हावेत। कसं वाटलं फायनली इकडे येऊन, कसे लगा? यार मैं बोल नहीं सकता हूँ, बीच में जब अनुष्का हंसने लगी थी और अनुष्का के साथ हंसने लगी थी, मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊँगा, मैं पागल हो गया था मैं। और वो बाजीगर और ये जो थे सब, अभी नसीर भाई, फरहान और आप नवाज भाई, मतलब आप लोग सबके सब, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप सब लोग एकदम अच्छे मायने में मैड हो। वाह, और बहुत मज़ा आया और जेन्युइनली इतनी खुशी हो रही है, मुझे वक्त का भी अभी तकाजा नहीं, और मैं ये सारी रात कर सकता हूँ, मुझे मालूम है। बहुत ही थैंक यू कि आप लोगों ने हमें बुलाया, और मतलब दिस वाज द बेस्ट थिंग, ये जो अभी आप लोगों ने किया ये स्कूल वाला, ये तो मतलब टू गुड था, मतलब हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। आई डोंट थिंक आई हैव एवर लाफ्ड इतना, तो मैं कभी नहीं हंसीऊंगी। क्या बात है, और एक छोटी सी बात, हमारा छोटा मुंह बड़ी बात, मैं और अनुष्का बीच में जब ब्रेक लिया 5 मिनट का, हम यही बोलना चाहते हैं जितने भी कलाकार यहाँ पे शो पे, इंक्लूडिंग योरसेल्फ और जितने भी लोग सब बैकअप कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ग्रेट टैलेंट है, और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको उसके अंदर शामिल किया। इट वॉज फैंटास्टिक एक्टिंग टैलेंट, जितने भी यहाँ पे लड़के, बहुत बहुत मुश्किल है करना जो आप लोग करते हैं, लोगों को ऐसे हंसाना, और आप लोग मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हो। थैंक यू सो मच। आणि लवकरच जब हॅरी मेट सेजल हा सिनेमा आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहामध्ये प्रदर्शित होतोय, नक्की जाऊन तुमच्या थिएटरमध्ये पाहायला विसरू नका। जब हॅरी मेट सेजल बजाओ। बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, आजा कुड़िया जाके तुम्हें, बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, आजा कुड़िया जाके। तर मंडळी, पुन्हा भेटूया आज पुढच्या भागात नवीन पाहुण्यांसह याच कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे गुड नाईट ऍक्टिव्ह प्लस सिस्टीम प्रस्तुत। चला हवा येऊ द्या भारत दौरा, को पावर्ड बाय विक्रम टी, बादशाह मसाला, मॅगी कॉस्मेटिक पार्टनर, डॅझलर इटरना, ऑटोमोबाईल पार्टनर महिंद्रा, जीतो।